जैसा कि हम सबको पता है कि प्रतीक सहजपाल को बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे जो है ट्रोलिंग भी मिल रही है, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। सलमान साहब ने जिस तरीके से उसको लताड़ा है, जिस तरीके से सलमान साहब ने दोस्तों प्रतीक सहजपाल को बोला है, तो ऐसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब बिग बॉस सीजन 14 की एक खूबसूरत हसीना जिसने की OTT में आकर प्रतीक को बोलता आई वेट फॉर यू, तो ऐसे में दोस्तों अब इस खूबसूरत हसीना ने अपना रिएक्शन भी दे दिया है प्रतीक की इस लताड़ पर। मैं राहुल बोझ स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, तो फटाफट मुझे वहां पर फॉलो जरूर करो। प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल को आज पूरी तरीके से सलमान साहब ने लताड़ दिया। सलमान साहब ने यहाँ पर सिंपल सा ये बात बोल दी कि भाई प्रतीक तुम कर क्या रहे हो, प्रतीक डोंट डू दिस, जिस तरीके से तुम गेम खेल रहे हो तुम नेगेटिव दिख रहे हो और प्लस बाकी सबको तुमने हीरो बना दिया है, सो ट्राई एंड नॉट टू रिपीट दैट थिंग। और प्लस उन्होंने बोला कि ये तो यही घूमता रहेगा, यही करता रहेगा रियलिटी शो। अब दोस्तों ऐसे में निकी तंबोली का दिल रोया है और निकी तंबोली ने प्रतीक के लिए स्पेशल स्टोरी लिखी है जिसमें लिखा है #emotional। आपको बता दूं दोस्तों, तो निकी तंबोली लिखती है यू आर स्ट्रांग इनफ टू फाइट योर ओन बैटल अलोन, यू हैव अ लॉन्ग वे प्रतीक सहजपाल, मिस्टेक्स आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स, दिस वीकेंड का वार इज टू हैवी फॉर यू बट यू हैव टू ओवरकम एंड स्टैंड अगेन एंड शाइन #emotional। यहाँ पर दोस्तों प्रतीक सहजपाल के लिए वो कहती है कि यार तू ऐसा मत रो प्रतीक, अपने स्ट्रांग रहे, अपनी लड़ाई तुझे अकेली लड़नी है, बहुत लंबे रास्ते तक जाना है, मिस्टेक्स जो हैं वो होती रहती हैं और वो आपको सिखाती भी हैं, और ये वीकेंड का वार ठीक है थोड़ा सा हैवी हुआ है तुम्हारे ऊपर बट तुम इससे ओवरकम ज़रूर करोगे। तो प्रतीक सहजपाल को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और प्रतीक फैम को एक अच्छा मैसेज दिया है। आपको क्या है कहना कमेंट करके ज़रूर बताएं।